Hello friends, I welcome to all of you on our YouTube channel. I'm Srikant Kalinder. Friends, in today's video lecture, I'm going to discuss with you Auguste Comte's views regarding sociology. In previous video lecture, I have discussed the most famous theory of positivism and also law of three stages. अब इस वीडियो में ऑगस्ट कॉम्टे का सोशियोलॉजी के बारे में क्या थॉट था ये हम देखेंगे. ही प्रपोज दैट सोशियोलॉजी शुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ऑगस्ट कॉम्टे ने सोशियोलॉजी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया. एक है सोशल स्टैटिक्स एंड सेकंड है सोशल डायनामिक्स. सोशल स्टैटिक्स जो चेंज नहीं होता, सोशल डायनामिक्स जो हमेशा चेंज होते रहता है. ऐसे ध्यान में रखो क्योंकि बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. सोशल स्टैटिक्स, it studies the balance of mutual relations of elements within a social whole. It deals with the major institution of society such as family, religion, economy, etc. देखो society में जो portion static रहता है, जैसे कि family, कोई भी रहो, ancient हो, modern हो या medieval हो, family हो या religion, ये जो institutions है यह stable रहते हैं. हर ईरा में यह इंस्टीट्यूशन स्टेबल रहते हैं. इट इंक्वायर इनटू द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सोशल फेनोमेना. कॉम्टे स्ट्रेस दैट देयर मस्ट ऑलवेज बी अ स्पॉन्टेनियस हार्मोनी बिटवीन द होल एंड द पार्ट ऑफ द सोशल सिस्टम. द पार्ट ऑफ ए सोशल पार्ट ऑफ ए सोसाइटी कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली एज इफ दे हैड एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. देखो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का जो शुरुआत होता है ऑगस्ट कॉम्टे से ही बेसिकली होता है. ऑगस्ट कॉम्टे यहाँ पे कहते हैं कि जब सोसाइटी का स्टडी करना होता है तो एक पार्ट का स्टडी हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि एक पार्ट दूसरे से जुड़ा हुआ होता है. व्हेन द हार्मोनी बिटवीन द पार्ट इज लैकिंग ए पैथोलॉजिकल सिचुएशन प्रिवेल. देखो एक पार्ट एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, ज्वाइंट है. जैसे कि एजुकेशन और फैमिली हो, हम फैमिली में रहते हैं लेकिन एजुकेशनल सिस्टम के लिए हम बाहर स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. अगर यह एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो तो क्या हो जाएगा, पैथोलॉजिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा सोसाइटी में. सोशल स्टैटिक्स इम्पसाइज द यूनिटी ऑफ सोसाइटी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन. सोशल स्टैटिक्स क्या इम्पसाइज करता है, सोसाइटी में यूनिटी है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है अच्छी तरह से. सेकंड है सोशल डायनेमिक, फोकसेस ऑन होल सोसाइटी एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड शोज हाउ इट डेवलप एंड चेंज थ्रू टाइम. सोशल डायनेमिक वॉज इक्विटेड बाय कॉम्टे विद ह्यूमन प्रोग्रेस एंड इवोल्यूशन. देखो अभी मैंने जो बताया कि समाज में जो प्रोग्रेस हुआ है और समाज का जो इवोल्यूशन हुआ है वह किस तरह से हुआ है, इसका स्टडी हम किस में करते हैं, सोशल डायनेमिक्स में करते हैं. कि समाज में से एंसेंट सोसाइटी कैसी थी और वहाँ से अब सोसाइटी में कितने चेंजेस आ गए हैं, वह स्टडी पूरा हम सोशल डायनेमिक्स में करते हैं. तो अभी हम देखेंगे ऑगस्ट कॉम्टे रिलीजन के बारे में क्या थॉट था. ऑगस्ट कॉम्टेज थ्योरी ऑफ रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी. ऑगस्ट कॉम्टे एक बेसिकली एथिस्ट थे बट उन्होंने एक नया रिलीजन बनाया, उसका नाम था रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी. ऐसा उन्होंने क्यों किया, ऐसा उनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन आ गए जैसे कि उनकी वाइफ का डेथ हो गया और कोटिल्डे जिनसे वो प्यार करते थे उनका भी डेथ हो गया, तो उसके बाद वह आइसोलेशन में चले गए थे और उसके बाद उनका झुकाव रिलीजन की तरफ हो गया. बट ये रिलीजन दूसरे रिलीजन से डिफरेंट है, यह कैसे डिफरेंट है यह हम देखेंगे अभी. रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी रिप्रेजेंट ए रेडिकल चेंज इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्टेस रैशनल थिंकिंग. कॉम्टे तो रैशनल थिंकिंग थे, थिंकिंग को प्रमोट करते थे बट रिलीजन की तरफ वो झुके, तो ये उनके जीवन में एक रेडिकल चेंज था. ही वाज एन एथिस्ट, वो एक नास्तिक थे बट टर्न आउट टू बी ए चैम्पियन ऑफ ए रिलीजन बिकॉज ऑफ सेवरल अपसेट्स दैट ही हैड अंडरगो इन हिज पर्सनल लाइफ. अभी जो मैंने बताया कि उनके लाइफ में कुछ अपसेट्स हो गए थे, इसकी वजह से उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया. तो हम अभी साइलेंट फीचर देखेंगे इनके रिलीजन के. देखो यूपीएससी में ये बहुत बार भी क्वेश्चन आ चुका है कि ऑगस्ट कॉम्टे के रिलीजन के अब साइलेंट फीचर बताइए, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है. तो जो
बच्चे यूपीएससी का स्टडी करते हैं, यूपीएससी में ऑप्शनल सोशियोलॉजी है उसका स्टडी करते हैं, तो ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं तो इसको आप नोट कीजिए प्लीज़। तो साइलेंट फीचर में फर्स्ट है रिलीजन विदाउट गॉड। कॉम्टेक कह देते हैं कि मेरा रिलीजन ऐसा है कि भाई उसमें कोई गॉड नहीं है, मेरा रिलीजन ह्यूमैनिटी के बेसिस पर है। बहुत सारे रिलीजन में गॉड होंगे बट अपने रिलीजन में कोई गॉड नहीं है। सेकंड वो कहते हैं सोशियोलॉजिस्ट प्रिस्ट कॉन्स्टिट्यूट द मॉरल गाइड्स ऑफ द कॉम्टियन कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू सोसाइटी। कॉम्टे कंसीव्ड ऑफ ए सोसाइटी डायरेक्टेड बाय द स्पिरिचुअल पावर ऑफ प्रिस्ट ऑफ द न्यू पॉजिटिव रिलीजन एंड लीडर्स ऑफ बैंकिंग एंड इंडस्ट्री। ऑगस्ट कॉम्टे कहते थे कि मेरे रिलीजन में प्रिस्ट ऐसे होने चाहिए जो पढ़े लिखे हो, वह साइंस जानते हो, वह लीडर्स होने चाहिए, कहाँ के, बैंकिंग और इंडस्ट्री के। थर्ड, ए न्यू रिलीजन डिस्टाइन टू बिगिन ए न्यू एपोच। कॉम्टे क्लेम्ड हिमसेल्फ टू बी द हाई प्रिस्ट ऑफ दिस न्यू रिलीजन कमिटेड टू Institute a region of harmony, justice, rectitude and equity। कॉम्टे ने खुद को एक प्रिस्ट बनाया जो कि रिलीजन के टोटली स्टार्ट में टोटली अपोज में थे, बट उन्होंने एक समाज में जस्टिस होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, समानता, प्रेम होना चाहिए, लव और अफेक्शन को वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, एक दूसरे के साथ संवाद अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए उनको लगा कि सोसाइटी में जितने भी डिस्टर्बेंसेस है, सोशल प्रॉब्लम्स है, सोशल इवील्स है, इनको अगर दूर करना है तो एक रिलीजन होना बहुत ज़रूरी है जो सोसाइटी को गाइड कर सके। फोर्थ है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, ए सोशल रिलीजन बेस्ड अपॉन मॉरेलिटी। जो अभी कहा है कि रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी क्या है, एक सोशल रिलीजन है मॉरलिटी के आधार पर। कॉम्टे नॉट इन फेवर ऑफ ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी, ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी के कॉम्टे फेवर में नहीं थे। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, रिलीजन ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये एक ऐसा रिलीजन है जो पूरे ह्यूमैनिटी को यूनाइट करता है। इसमें ये नहीं देखते कि ये बेसिकली एशिया का रिलीजन है या अफ्रीका का रिलीजन, नहीं, ये रिलीजन ऐसा है कि जहाँ पर भी ह्यूमन बीइंग रहता है वो पूरे ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए यह रिलीजन उन्होंने बनाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।